अपने चैनल द बोर्ड स्टडी में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं जो हैं, तो ये एक्चुअली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इनमें क्या होता है, इनको हम क्यों पढ़ेंगे? आपने देखा होगा कि आपके दैनिक जीवन में जैसे जो लोहा है तो उसमें जंग लग जाती है, मतलब चीजें क्या होती हैं, नष्ट होने लगती हैं। तो ऑक्सीकरण वैसी ही प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि जो आपके वायुमंडल में चीजें उपस्थित हैं तो वो ऑक्सीकृत होकर के नष्ट हो जाती है। जैसे आपका खाना है, खाना आप देखते हैं गर्मियों में जल्दी खराब हो जाता है, जाड़ों में कम खराब होता है, मतलब देर तक रहता है सही। तो ये क्या होता है कि जो आपका भोजन होता है तो ये ऑक्सीकृत होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका भोजन जो है वो खराब हो जाता है ऑक्सीकृत होकर के। अगर आप उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वो कम टेम्परेचर पर आप देखते हैं कि जाड़ों में कम खराब होता है। मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है उसका वो कम हो जाता है और गर्मियों में ज्यादा खराब होता है, जल्दी खराब हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो गर्मियों में खराब हो जाता है खाना। तो ये चीजें क्या है, ऑक्सीकृत होता है। कुरकुरे हैं आपके, कुरकुरे में देखिए आप कोई भी पैकेट होता है आपका तो उसमें देखिए नाइट्रोजन गैस में भरी होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है, क्योंकि वो कम सक्रिय होती है, कम सक्रिय होती है। और अगर उसको अगर जैसे खुला रख दें तो वो वायुमंडल में उपस्थित गैसों से रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो क्या होता है कि ये चीजें जो है तो इन्हीं के बेस पर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ऑक्सीकरण की बात करेंगे। तो ऑक्सीकरण की डेफिनेशन जो है तो वो एनसीईआरटी में आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, तो उसमें मतलब बहुत लिमिट में दिया गया है, बहुत कम चीजें दी गई हैं उसमें। तो ऑक्सीकरण की आपकी जो पहली डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन हाँ ये ऐसे है कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना या फिर हाइड्रोजन को त्यागना, ये जो प्रक्रिया है किसी पदार्थ की वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। ये जो कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीडेशन आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑक्सीजन को जब कोई चीज ग्रहण कर, कोई चीज जब आप लेते हैं तो आपके पास ज्यादा हो जाती है। आपके पास 5 रुपए हैं और किसी दूसरे के पास 4-5 और रुपए हैं, तो आपने पूरी उससे ले लिया 5 रुपए, तो आपके पास ज्यादा हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन में, ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन उसने पूरा ले लिया है, तो ऑक्सीजन जब लेता है तो उसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, ये याद करने का मेथड है। तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, क्योंकि सेम सेम है जो इसके डेफिनेशन है वो सेम सेम है, मतलब उसमें कुछ चीजें चेंज है तो वो भी देखेंगे क्या चेंज है। तो ऑक्सीकरण में हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ऑक्सीडेशन में किसी पदार्थ की ऐसी प्रक्रिया जिसमें वह क्या करता है, ऑक्सीकरण को ग्रहण करता है और या फिर हाइड्रोजन को त्यागता है। तो ये चीज जो है वो किससे, वो हम एग्जाम्पल के बेस पर समझ लेते हैं। तो वो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका एक एग्जाम्पल लें CuO+H2 gives out Cu+H2O। एक रिएक्शन एमएलए ले ली। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये कॉपर ऑक्साइड है। तो यहां पर क्या है कि इस रिएक्शन में आपने ये दोनों चीजें ली हैं। ये क्या है, अभिकारक है, ये उत्पाद है। उत्पाद में क्या होता है, जो चीज आपको आपको प्राप्त होती है, जिन पदार्थों को आप ले करके कोई चीज बनाते हैं तो जो बनने वाला पदार्थ होता है वो उत्पाद होता है। उत्पाद में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन किसके पास है, तो ऑक्सीजन किसके पास है, हाइड्रोजन के पास है। तो यहां से ये चीज यहां पर निकल के आती है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया है। ऑक्सीजन को ग्रहण किया, किसने ग्रहण किया, हाइड्रोजन ने। तो यहां पर जो प्रक्रिया इसने की है तो ये प्रक्रिया यहां पर क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। अब इसमें एक चीज और है, या इसमें हमने बताया, या फिर हाइड्रोजन को क्या करता है, त्यागता है। हाइड्रोजन को क्या करता है, त्यागता है। तो वो रिएक्शन आप यहां पर देख लीजिए, उसकी HCl+MnO4
O2 gives out MN Cl2 plus Cl2 plus H2O। सबसे पहले तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, यहां पर Cl चार है तो यहां पर चार आप Cl के कर दीजिए, हाइड्रोजन के चार हैं तो यहां पर हाइड्रोजन के चार हो जाएंगे, MnO2 सब बैलेंस है। अच्छा अब आप इस रिएक्शन में देखिए, तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन कौन त्याग रहा है, आप बात कीजिए इसकी, इसमें आप देखिए कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड ने क्या किया है, हाइड्रोजन को त्याग दिया है। हाइड्रोजन को त्यागने से क्या बना है, Cl2। तो यहां पर ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाई है, ऑक्सीकरण। इसको क्या बोलेंगे, ये जो प्रक्रिया हुई इसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। क्या हुआ, ये ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं तो एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, ऑक्सीकरण की एक नहीं दो और डेफिनेशन है। यहां पर आप देख रहे हैं इस रिएक्शन को, तो यहां पर क्या है कि इसमें हुआ है ये चीज कि ऑक्सीजन को इसने ग्रहण किया है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया है तो ऑक्सीकरण यहां पर ये प्रक्रिया हो गई। यहां पर हाइड्रोजन को इसने त्याग दिया है, ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीकरण हो गया। एक चीज एक और आती है इसकी डेफिनेशन कि अगर अधातुओं को अगर कोई पदार्थ अगर किसी पदार्थ के द्वारा अधातु को एक्सेप्ट ग्रहण किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। किसी पदार्थ द्वारा अधातु को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। आप इसी में समझ सकते हैं, जैसे यहां पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया है तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। एक और है कि अगर कोई धातु ये एक रिएक्शन आप लीजिए तो इसमें क्या बनेगा, KCl बनता है और बनता है I2। ये रिएक्शन हमने इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीकरण कहां पर हो रहा है। आप देखिए ये जो धातु है पोटेशियम धातु है, पोटेशियम आयोडाइड के द्वारा, जो पोटेशियम आयोडाइड आपका पदार्थ है इसके द्वारा धातु को त्याग दिया जाता है, धातु को त्यागा जा रहा है तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों होगा, आप देखिए यहां पर धातु को त्याग रहा है कौन सा पदार्थ, पोटेशियम आयोडाइड, और त्याग करके क्या बना रहा है, आयोडीन बना रहा है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये दोनों चीजें ऑक्सीकरण इनका हो रहा है इस प्रक्रिया में। अब एक और इसकी डेफिनेशन आती है, इसकी डेफिनेशन एक ये है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्रिया, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्रिया, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्रिया। अब कॉपर जो है इसके लास्ट वाले जो सेल होती है उसमें जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे आप दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए तो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो वहां पर जो आपका तत्व हो जाएगा उसमें से दो, जो आपका एटम होगा परमाणु होगा, परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एक बार फिर से देख लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में है वो केवल ये डेफिनेशन, वो केवल इस आधार पर है कि ऑक्सीकरण वो प्रक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है या फिर हाइड्रोजन को त्याग दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है इसलिए यहां पर ऑक्सीकरण है, यहां पर इसने हाइड्रोजन को त्याग दिया है इसलिए यहां पर ऑक्सीकरण है। और जो आप ये चीजें अभी आप जान लीजिए कि यहां पर क्या होता है कि अधातु जो धातु होता है, धातु इसको ग्रहण कर, धातु को त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है।
अधातु को ग्रहण करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, अधातु को ग्रहण करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहलाती है। यहां पर आप देख लीजिए ऐसे कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को ग्रहण किया है, हाइड्रोजन को त्याग दिया है, हाइड्रोजन को त्याग दिया है और अधातु को ग्रहण किया है। अधातु को ग्रहण किया और धातु को क्या किया है? त्याग दिया है। और इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को भी इसने त्याग दिया है। ये किस चीज की डेफिनेशन है? ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण की ये सारी डेफिनेशन है। आप यहां से इतना याद कर लीजिए, आपको ऑक्सीकरण याद हो जाएगा। आप इसमें से कोई भी एक, आपका जो पेपर होता है, एग्जाम होता है, एग्जाम में केवल इतना ही आता है, पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण क्या होता है और इसका एक एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए। आप अगर ये सारी चीजें नहीं जानना चाहते हैं, बिल्कुल आप इसको मत पढ़िए। अगर आपका मन नहीं है, आप केवल ऑक्सीकरण पढ़ लीजिए, ये वाला। यहां से आप डेफिनेशन एक याद कर लीजिए, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है या फिर हाइड्रोजन को त्याग दिया जाता है, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और आप एक एग्जांपल इसका लिख सकते हैं, कोई भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑक्सीकरण। अब इन्हीं एग्जांपल्स के आधार पर हम लोग समझेंगे कि अपचयन क्या होता है। अपचयन क्या होता है? अपचयन वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण को क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को त्याग दिया जाता है। ऑक्सीजन को त्याग दिया जाता है तो वहां पर क्या होता है? अपचयन होता है। आप इस एग्जांपल में देखिए, ऑक्सीजन को इसने त्याग दिया है, यहां पर ऑक्सीजन को इसने त्याग दिया है, तो यहां पर क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन। यहां पर CuO कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को त्याग करके कॉपर बनाया है, तो यहां पर क्या हुआ कि अपचयन ये हो जाएगा, यहां पर यह क्रिया अपचयन। फिर यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन को, ये नहीं है, ऑक्सीजन को त्यागने की प्रक्रिया। आप यहां पर इस रिएक्शन में देख सकते हैं, यहां पर ऑक्सीजन को त्याग करके MnCl2 बनाया गया है, मैग्नीज क्लोराइड। यहां पर क्या होगा? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। ऑक्सीजन को इसने त्याग दिया है, यहां पर अपचयन हो रहा है। एक डेफिनेशन वही है जो हाइड्रोजन को त्याग देता है। हाइड्रोजन को त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और हाइड्रोजन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन को ग्रहण करना या ऑक्सीजन को त्यागना अपचयन कहलाता है। ये रिएक्शन से आप ऑक्सीकरण और अपचयन समझ सकते हैं। इसमें आप आइए तो यहां पर क्या होगा कि धातु को ग्रहण करना, धातु को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। धातु को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है और अधातु को त्यागने की प्रक्रिया, अधातु को त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। देखिए, ये अधातु है, ऑक्सीजन जो है वो अधातु है, अधातु को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। यहां पर आप देख सकते हैं। अब बात आती है ये इलेक्ट्रॉन के बेस पर, इलेक्ट्रॉन के बेस पर जो अपचयन की दी गई डेफिनेशन, वो ये दी गई कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाई? अपचयन कहलाई। उसका एग्जांपल आप देख लीजिए ऐसे, ये इसी को इधर से कर देते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि Cu कॉपर 2+, कॉपर 2+ इसने दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बनाया? कॉपर बना दिया। कॉपर जो है
कॉपर ने जो कॉपर डाई कैटायन है उसने दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बनाया, कॉपर बना दिया। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाई, ये प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाई, अपचयन कहलाई। ठीक है, ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाई, अपचयन कहलाई। इसी तरह से आप इसका बिल्कुल आप अपोजिट कर दीजिए, आपका अपचयन की सारी डेफिनेशन निकल आएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन का त्याग, हाइड्रोजन को ग्रहण करना और अधातु को त्यागना, धातु को ग्रहण करना, ये क्या हुआ, अपचयन। ये जो है वो ऑक्सीकरण है, जो मैंने इसका अपोजिट बताया वो अपचयन था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण और अपचयन। अब एक बात और आती है कि अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक और अपचायक क्या है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है, ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण कर को त्याग देता है, ऑक्सीजन को त्याग देता है। ये पदार्थ जो है वो क्या है, आपका ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन को त्याग देता है, तो इस टाइप के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। इसी तरह अपचायक क्या होता है, वह पदार्थ जो अपचयन की प्रक्रिया होने के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अपचायक, अपचायक कहते हैं। ऑक्सीकारक, अच्छा कारक जो है किसी चीज को जो करने के लिए काम, मतलब कारक वो चीजें होती हैं जैसे किसी चीज को करने के लिए जो यूजफुल होती हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कि इसके ये कारक है, उसके वो कारक है, तो आप इस तरह से पढ़े होंगे, बहुत से एग्जांपल्स पढ़े होंगे इस तरह से। तो ऑक्सीकारक का मतलब यहाँ पर ये है कि यह वह कारक है जिसके कारण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीकारक वह कारण है जिसके कारण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, ये कहीं पर लिखा नहीं, मैंने अपने आप से बताया ताकि आपको याद हो सके। तो ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होने के लिए ऑक्सीकारक जो है, जो ये पदार्थ है इसने ऑक्सीजन को त्याग दिया है, तो इस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। अपचायक किसको कहेंगे, अपचायक वो पदार्थ होता है जिसने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया है। क्यों ग्रहण कर लिया है, अपचयन की अभिक्रिया होने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, अपचायक। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जहां पर जिस पदार्थ द्वारा अपचयन हो रहा है, अपचयन की प्रक्रिया हो रही है, उसको आप ऑक्सीकारक बोलेंगे, और जहां पर ऑक्सीकरण की, जिस पदार्थ के द्वारा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, उसको आप अपचायक बोलेंगे। इसी तरह आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें देखिए आप ऑक्सीकरण जो है, तो यहाँ पर इस पदार्थ के द्वारा ऑक्सीकरण किया जा रहा है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, तो आप डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, अपचायक हो जाएगा। इसके द्वारा अपचयन की प्रक्रिया हो रही है, तो यहां पर आपका ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि जो ऑक्सीकारक और अपचायक, आपके लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी जानकारी होने के लिए हमने ये चीज बता दी, बाकी आप इसी पर फोकस कीजिए। आपका जो नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा उसमें आपकी मिनिमम चीजें दी है जो बोर्ड के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद अब ये आपका ऑक्सीकरण और अपचयन का ये जो टॉपिक है ये आपका खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं संक्षारण और विकृत ग्रंथिता। जिसके पास बुक्स होंगी तो उसने उन लोगों ने क्या किया होगा, उसको देखा होगा, शब्द उनकी जानकारी में होंगे कि विकृत ग्रंथिता भी एक शब्द है और संक्षारण भी एक शब्द है। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण और विकृत ग्रंथिता ये दोनों चीजें रासायनिक प्रक्रिया, इसको कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसमें संक्षारण और विकृत ग्रंथिता एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें क्या होता है कि धातुओं का या फिर खाद्य सामग्री जो आप खाने में यूज करते हैं, इन चीजों का क्या होता है, नष्ट होने लगती हैं चीजें। जैसे आपका लोहा है, इसमें जंग लग जाती है, जंग पहले आप देखिए लोहे में क्या होता है कि बिल्कुल व्हाइट व्हाइट शाइनिंग उसमें आती है, फिर
कुछ देर तक जब आप उसको रखा रहने देंगे कुछ दिनों तक, तो उसमें क्या होता है रेड कलर का लाल कलर का ऊपर से परत जमने लगती है, परत जमती है फिर वो भूरे रंग की हो जाती है, भूरे रंग की हो करके फिर वो टुकड़ों में टूट टूट करके गिरने लगती है, गिर के फिर उसका क्या हो जाता है क्षरण हो जाता है, बिल्कुल वो नष्ट हो जाती है। तो ये चीज क्या है, ये संक्षारण है, ये क्या है संक्षारण है। विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता वो चीज है। अच्छा एक और एग्जांपल आप देख लीजिए संक्षारण में क्या होता है कि जैसे आपका कॉपर जो तांबा होता है उसमें हरे कलर का जो उसमें हरे कलर का ऊपर उसकी सतह आने लगती है कॉपर में, और लोहे में तो आपको बता ही दिया है कि उस पर लाल रंग की आने लगती है। तो ये चीजें क्या है, इसको क्या बोलेंगे संक्षारण। जहां पर धातुओं में क्षरण होता है तो वहां पर क्या होता है संक्षारण होता है, जहां पर धातुएं नष्ट होने लगती हैं तो वहां पर संक्षारण होता है, जहां पर खाद्य सामग्री जैसे आपका खाने वाली कोई भी चीज हो सकती है तो वहां पर आपका क्या होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, जैसे आपका कोई तेल से चीज आप चीजें बनाते हैं, तो आपने अचार खाया होगा घी खाया होगा, आप देखते हैं कि जब करंट का बना हुआ अचार हो करंट का बना हुआ घी हो तो उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, मतलब डिफरेंट टाइप की होती है। जब वो एक साल का बीत जाता है, एक साल का हो जाता है घी या फिर अचार या फिर कुछ भी आप बनाते हैं तेल या वही तैली चीजें बसा, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी जो स्मेल होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जो उसकी स्मेल होती है इसको गंध बोलते हैं, उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसकी गंध बदल जाती है, तो वहां पर क्या होता है विकृत गंधिता। उस इस जो ये चीज हो रही है, जो ये प्रक्रिया हो रही है कि आज करंट में जो चीजें बनी हैं उनका अलग उनकी खुशबू है, और जब एक साल बीत गया तो उसकी खुशबू अलग हो रही है उसी पदार्थ की, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे विकृत गंधिता बोलते हैं। विकृत गंधिता वर्ड देखिए, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता ये जो शब्द है इस शब्द से ही पता चल रहा है कि विकृत, विकृत का मतलब ये होता है कि अशुद्धि। विकृत का मतलब क्या होता है, विकृति का मतलब अशुद्धि होता है, अशुद्धि जहां पर शुद्धता नहीं होती है। गंधिता, गंधिता मतलब गंध, स्मेल, स्मेल। तो यहां पर क्या है कि जहां पर किसी पदार्थ के में, किसी पदार्थ में अशुद्धि आ जाए, किसी पदार्थ की सुगंध में विकृत अशुद्धि आ जाए तो वहां पर क्या होता है विकृत गंधिता होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हमने बता ही दिया है कि संक्षारण वाक का हो गया और विकृत गंधिता। ये संक्षारण की एक डेफिनेशन आप ये देख लीजिए कि जब कोई पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित नमी या फिर जो आपका अम्ल होता है तो उसके संपर्क में आता है तो क्या होता है वो पदार्थ क्षरित होने लगता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं संक्षारण कहते हैं। अच्छा आपने एक एग्जांपल और देखा, ताजमहल जो है कह रहे हैं वो येलो पड़ रहा है, येलो मतलब पीला हो रहा है, तो वो उसमें क्या हो रहा है बोल रहे हैं सब लोग कि उसमें संक्षारण हो रहा है, संक्षारण का मतलब कि उसमें अम्ल वर्षा हो रही है, तो जिसके कारण ताजमहल जो है तो वहां पर उसका जो रंग है वो सफेद वो पीला हो रहा सफेद की जगह पर, ठीक है। तो क्या हुआ संक्षारण। विकृत गंधिता क्या होता है, जब आप तैलीय या वसा युक्त चीजों को कुछ दिनों तक रखते हैं और उसकी जो स्मेल होती है गंध में परिवर्तन आ जाता है, तो जो गंध में परिवर्तन जिस पदार्थ में आता है उस पदार्थ को विकृत गंधी बोलते हैं, और जो प्रक्रिया हो रही है पदार्थ में इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं विकृत गंधिता बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है और ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है और संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। और एक चीज और, ऑक्सीकरण क्या है इसका एग्जांपल दीजिए, अपचयन क्या है इसका एग्जांपल दीजिए एक, और विकृत गंधिता क्या है इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और संक्षारण क्या है इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसके एक एग्जांपल दीजिए। इस टाइप से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके समक्ष लेकर के आएंगे एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो